ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, घूंट आंसुओं का पीकर जीते हैं जो जीने वाले हैं, क्योंकि सरकार भी सुनती है तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही सुनती है, हिंदी भाषा में हमारी सरकार नहीं सुनती है। सर्जिकल स्ट्राइक फौजी करता है, उसको क्रेडिट कौन करता है? नेता करते हैं। नेता गए कभी सर्जिकल स्ट्राइक में? नेता कभी बॉर्डर पे गए? नेता कभी बॉर्डर पे गए? फौज है तो देश के हर नागरिक का सिर ऊंचा है, फौज का सर नीचा है तो सबका सर नीचा, फौज के नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उस चीज पे मत जाओ, आप मत बोलो। 1400 पहले क्या था, आज क्या था? सैनिकों के प्रति जो है सरकार का कोई रुख वो नहीं, सैनिकों का सम्मान करो, सैनिकों का वेतन पे जो सैनिक लोग मांग रहे हैं उस चीज पे चर्चा करो। अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, किससे मांग रहे हैं? सरकार से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। सरकार एक आदमी की नहीं, सरकार तुम्हारी हमारी सबकी सरकार है, और तुम्हारा भी फर्ज होता है सैनिकों के लिए कुछ बोलने के लिए। हम लोगों का मांग है कि देश का जो भी जवान है वो एक तरह के मौसम में रहता है ना, एक तरह के क्लाइमेट के उसके ऊपर है, तो मिलिट्री सर्विस पे में जो विसंगतियां हैं वो दूर होना चाहिए। अगर मिलिट्री सर्विस पे जो एक अधिकारी को जितना मिलता है उतना ही एक जवान को भी मिलना चाहिए, उतना ही एक जेएसओ को भी मिलना चाहिए, तभी तो समानता का अधिकार। उसमें विसंगतियाँ हैं कि जवान और जेएसओ के लिए अलग है और अधिकारियों के लिए अलग है, जबकि ये अधिकारी सारी सुख सुविधाओं से लैस वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी उनके लिए सारी सुविधाएं रहती है, और जो कष्ट में रहते हैं, जो क्लाइमेट से हमेशा जूझते रहते हैं और जो ड्यूटी देते हैं वो जवान देते हैं, जेएसओ देते हैं, अधिकारी ड्यूटी नहीं देते, वो तो अपने कमरे से बैठे बैठे पूरे देश पूरे अपने यूनिट को चलाते हैं। और इसमें जो वन रैंक वन पेंशन में भी विसंगतियाँ हैं उसको भी दूर करने की कृपा की जाए। ये प्रधानमंत्री नहीं, मोदी सरकार में थरथर कांप रहा है, वो तो कांपते रहेगा, क्योंकि ये इसमें जो ताकत है वो जवानों की ताकत है। जवानों हमारे को जो कसम खिलाया जाता है, नहीं हमारे को कसम खिलाया जाता है, हम देश के लिए चाहे हवा के रास्ते भेजा जाएगा, जल के रास्ते भेजा जाएगा, या स्थल के रास्ते भेजा जाएगा, कहीं भी भेजा जाएगा तो भी मैं जाऊंगा, उसमें चाहे मुझे प्राणों की आहुति दी जाएगी देना पड़े तो भी मैं दूंगा, ऐसा हम सभी जवान पूरे हिंदुस्तान के जवान कसम खाते हैं। लेकिन एक भी अफसर कसम नहीं खाता है, वो देश के लिए बलिदान होने के लिए कसम नहीं खाता। अगर कोई कसम खाता है तो देश का जवान खाता है, देश का जेसो, वही जो आगे बढ़ के बनता है वो जेसो बनता है। यही कारण है कि जवान अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है, अधिकारी अपने स्लीपिंग बैग के अंदर रहते हैं सोए हुए। ये तो टीवी पर आप देखते हैं, बड़े बड़े मूंछों पर ताव देते, उनको उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कितने जवानों को त्रस्त किया है, हर एक जवानों को यूनिट में त्रस्त किया जाता है। आखिर कारगिल क्यों हुआ? कारगिल ये इसलिए हुआ कि हमारे जवान तो हमेशा से तैनात रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनको भेजा जाए वो तैयार रहते हैं। लेकिन अधिकारी अगर आगे बढ़ के जाएंगे तो स्लीपिंग बैग कैसे छोड़ेंगे, टेलीफोन से ही कमांड चलाते हैं, आगे नहीं जाते वो, और उनके इतना ही नहीं, वो यहाँ तो कमांड चलाते हैं, और उनके घर में अगर हजारों किलोमीटर दूर पीस संसद में अगर उनकी मेम साहब रहती हैं तो उसके पास भी दो दो चार चार जवान उनकी सेवा करने के लिए रहते हैं, उनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन, उनके घर में कुत्ते को टहलाने के लिए पैसे भेजा जाता है। पूरे देश के अधिकारी, अब वही अधिकारियों से ही दिक्कत है, और दिक्कत इतना ही नहीं है, वो अगर कोई भी हमारा मैसेज हो वो मैसेज सिर्फ अपने फायदे के लिए ऊपर ऊपर भेजे, जैसे एक कवि का है, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, घूंट आंसुओं का पीकर जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो हमारे जवान के सैनिक है ना, हर एक जो भी सैनिक है वो सब घूंट पी के रहते हैं, हमारे ऊपर इतना आतताई का काम किया जाता है, हमारे जवानों को त्रस्त किया जाता है, आज से नहीं ये अंग्रेजों के तरह हमारे से व्यवहार करते हैं, क्योंकि सरकार भी सुनती है तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही सुनती है,
हिंदी भाषा में हमारी सरकार नहीं सुनती है। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी ना सुनो, अपने गुजराती भाइयों की तो सुनो, जो तुम्हारे को क्या मैसेज देने के लिए आए हैं। यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, वो गुजरात से जो मांझी सैनिक आया है, उन सैनिकों की भाषा आप सुनिए, वो क्या बता रहे हैं। वो उतने ही त्रस्त हुए हैं। हमारे साथ 25% गुजरात, मैं महारेजिमेंट का हूँ तो उसमें डिवाइड है, 25% गुजरात के जवान होते हैं, 25% बंगाल के जवान होते हैं, 25% उड़ीसा के जवान होते हैं, और 25% में ऑल ओवर इंडिया के जवान होते हैं। उन जवानों से आत्मीति पूछो, वो अपनी भाषा में आपको सुनाएंगे। मोदी जी, अगर आप सुनना चाहते हैं, उन्हीं जवानों से सुनो जो जवानों की बातें आप सुनना चाहते हैं। अब जवानों से सुनो, आप अंग्रेजी में मत सुनो, अंग्रेजी भाषा में मत सुनो, अगर सुनना है तो मातृभाषा में सुनो और गुजराती भाषा में सुनो। वो मांझी सैनिक क्या कह रहे हैं उनकी बातें सुनो, वो किस कष्ट में जिए हैं उनकी बातें सुनो, कितना उनको एक अधिकारी कितना त्रस्त करता है उनकी सुनो, उसके बाद फैसला लो। और हमें तो यह भी डर है कि हमारे जवान जिस तरह से दास प्रथा में जी रहे हैं और जीते रहे हैं, अभी हमारे यहाँ जो अग्निवीर में जो महिलाएं आ रही हैं, है ना, हमारी बहनें आ रही हैं, बेटियां आ रही है, उनसे भी वो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन तक सीमित कर देंगे, क्योंकि हमारे जवान जब उनके यहाँ सहायक का काम नहीं करना चाहते हैं, सहायकी नहीं करना चाहते, होली दिवाली मनाने जाते हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ भी उन्हीं जवानों को रखा जाता है सामने, उनके सामने इर्द गिर्द उन्हीं जवानों को खड़ा किया जाता है जो अपनी बात नहीं कह दें उनको। अगर अपनी बात कह देंगे तो उसको एक कैसे जोड़ते हैं, उसको कहेंगे यूनिट को बेइज्जती कर दी तुमने, यूनिट के इज्जत को उड़ा दिया। अरे यूनिट को नहीं उड़ा दिया, वो अपनी सही वेदना बता रहा है, ताकि देश आज़ाद हुए, आज 75 अमृत काल में हैं, लेकिन हमारे सैनिक आज़ाद नहीं हुए आज तक, सैनिकों में आज भी आत्मग्लानी की मजबूत होना अलग चीज है, हम शरीर से मजबूत हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिस तरह का आतताई का काम करवाया जाता है, वो मजबूती तो हमारे को उन अधिकारियों को उस तरह से मोटिवेट करके करना पड़ेगा। उन अधिकारियों की भाषा ना सुनो, हमारे जवानों की बात, हमारे जवानों का डेलीगेशन अगर जाएगा मोदी के पास तो अपने आप वो भाषा और बातें सब कुछ सही हो जाएगी। मोदी जी के पास जाने चाहिए हमारे, जबकि हम 97% है ना 30 लाख सैनिक हैं, 30 लाख एक सर्विसमैन में मात्र 50,000-60,000 ये मैक्सिमम 1 लाख हमारे अधिकारी होंगे, एक सर्विसमैन होंगे, है ना। तो मोदी जी सिर्फ एक उन्हीं की बातें क्यों सुनते हैं, जबकि सुनना चाहिए जो 97% जो जवान हैं उनकी बातें सुनो, तब तो आप जनहित की बात करोगे, और अगर हमें मजबूत करोगे तो हम देश को मजबूत करते रहेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलने वाले होते हैं, कोई भी सैनिक बात करता है वो उसको मजबूर किया जाता है, उसको त्रस्त किया जाता है कि आप, वो ट्रेनिंग करना चाहता है तो भी उसको ट्रेनिंग नहीं करने दिया जाता है, बोलता है तुम जाओ और सहायक का काम करो। तमाम अफसर भी तो शहीद हुए थे, जो अफसर शहीद हुए हैं वो उनकी गलती से शहीद हुए हैं, वो जवानों का साथ लेके कभी नहीं चलते, जवानों की बात नहीं सुनते वो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अधिकारियों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मान आपकी बात मान गया, पड़ोसी कामता, पूरा वर्ल्ड कामता मान लिया, वो किसके दम पे कामता है, फौज के दम पे, फौज किसकी है, अरे किसके हैं वो, फौज किसकी है, कितने परसेंट फौज के अंदर 97% JCR होते हैं, वो फौज होती है, 3% अफसर से फौज नहीं होती है, फौज के ऊपर PM होता है, PM के ऊपर फौज नहीं होती है, बिल्कुल फौज है तो रक्षा मंत्री है, फौज है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फौज है तो PM का गर्दन ऊंचा है, सर्जिकल स्ट्राइक फौजी करता है, उसको क्रेडिट कौन करता है, नेता करते हैं, नेता गए कभी सर्जिकल स्ट्राइक में, नेता कभी बॉर्डर पे गए बताइए मेरे को, नेता बॉर्डर पे नहीं गया, वो क्यों हमारे को एक्सप्लॉइट करता है, क्यों उनको कैश करता है, वो नेता कभी बॉर्डर पे गया, PM बॉर्डर पे जाता है, कभी हमारा पॉलिटिशियन बॉर्डर पे जाता है,
एमएलए जाता है, एमपी जाता है, बताइए मेरे को, आप बताइए। फौज है तो देश के हर नागरिक का सिर ऊंचा है, फौज का सर नीचा है तो सबका सर नीचा, फौज के नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई भी कार्रवाई होती है हाँ। मीडिया पे चलता है कि मोदी सरकार से काफी, वो गोदी मीडिया है, वो बिकाऊ है, वो बिकाऊ है, बिकी हुई है। अगर उस मीडिया को मैं उस मीडिया को मैं शत शत नमन करता हूँ। अगर वो बॉर्डर पे जाए 5 दिन बाप एक सैनिक के साथ वो ड्यूटी दवा के दवाएं 5 दिन हम विदेशों की जेवर लागेदार नहीं है, वो बुझवाते जबरदस्ती। हम अपने घर का एक में हम अपने घर का जवाबदार हम, मैं बोलता हूँ कि हमारे सैनिकों का डंका जो है वो तुर्की में बज रहा है, और डंका तो बज रहा है, सैनिक तो हमारा गया ना, तुम्हारा थोड़ा गया, मोदी का बच्चा गया, कोई मोदी गया है, उसका बेटा गया है, किसी नेता का बच्चा गया, बताइए मेरे को, इसका बच्चा गया, किसान का बच्चा गया, वो किसान का बच्चा गया है। और कुछ कहना है, सैनिक है तो सारे हैं, सैनिक नहीं है तो कुछ नहीं है, नेता भी नहीं है, बताइए मेरे को। अरे कहता तो मैं भी हूँ, अरे गरीब का बेटा होता तो फौज में जाता, किसान होता है गरीब, गरीब का बेटा किसान में जो है वो फौज में जाता है, समझ गए आप। और किसी नेता का बेटा गया फौज में, किसी एमपी का बेटा गया, एमएलए का नेता गया, कोई बेटा गया, रिश्तेदार गया है, बताइए मेरे को। आपने नहीं वोट दिया, इसका मतलब है, इसका मतलब आपने, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, फौजी हम वोट इसलिए दिया था, हमें बोला था कि एक बार हमें मौका दीजिए, मैं सैनिकों का वो करूंगा, देश का विकास करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं 2014 से पहले आज के इतिहास में कभी सैनिकों ने धरना दिया, बताइए आप, ये विकास है, बताइए, इससे पहले कभी हुआ है, इससे पहले कभी हुआ है, बताओ मेरे आप। हम बोलते हैं मेरे को मौका दो ना, ऐसे आप किसी बात पे मत बात करो। कह तो रहे देश तरक्की कर रहा है, ये तरक्की तो देख लिया आपने आज, सॉरी, देश का सैनिक जो सिपाही है जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है वो गोली खाता है, यहाँ अपनी हक के लिए, अपनी पेंशन के लिए यहाँ धरना दे रहा है, ऐसा राम राज्य होगा, ऐसा राम राज्य चाहिए, हम ऐसा नहीं चाहिए। सरकार को सिर्फ एक जगह ही काम नहीं करना होता है, मैं एक सैनिक हूँ, इन्फेंट्री का आदमी हूँ, -50 में रह के आया हूँ, कहाँ था आज तक कांग्रेस सरकार का ये इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, रुको, उस चीज पे मत जाओ, आप मत बोलो 14 से पहले क्या था आज क्या था। सैनिकों के प्रति जो है सरकार का कोई रुख वो नहीं, सैनिकों का सम्मान करो, सैनिकों का वेतन पे जो सैनिक लोग मांग रहे हैं उस चीज पे चर्चा करो। यहाँ पे किसी सरकार का नाम, किसी कांग्रेस, किसी, मैं सैनिकों को बोलना चाहता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, गढ़वाल में 50 में रह के आया हूँ, जितना मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई एमएलए, तुम्हारा कोई मोदी जी देंगे तभी तो, मोदी जी को कुछ ना बोलो, क्यों, कौन बोल रहा है, आप ही कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी थोड़ी वहाँ भी आ रहे हैं, मोदी जी के पास जो सरकार की, कौन देगा आपको, मुझे कोई कांग्रेस से नहीं है, कोई बीजेपी से नहीं है, कोई मोदी जी से नहीं है, जो भी सरकारें बनती हैं सैनिकों, जो भी सैनिक, जो भी सरकारें बनती हैं सैनिकों पे ध्यान देना चाहिए उनको, जो हमारे सैनिकों की मांग है पूरी होनी चाहिए। हमारा सरकार से अनुरोध है, कोई भी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, हमें आरोपी जो भी सरकार है, अभी की बात छोड़ो, 10 साल से क्यों लटका हुआ, 20 साल से क्यों लटका हुआ हमारा मामला, अभी जो भी सरकार है साहब, हमारे आज का मामला नहीं रुका हुआ, जब से हमारा मामला रुका, सैनिकों की अनदेखी होती है हमेशा। अभी आप कह रहे हैं जी कुछ ना कहे, आप लोग धरना में बैठे हैं, किससे से मांग, अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, किससे मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, सरकार किसकी है, सरकार एक आदमी की नहीं, सरकार तुम्हारी, हमारी सबकी सरकार है, और तुम्हारा भी फर्ज होता है सैनिकों के लिए कुछ बोलने के लिए। कौन है प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है, नहीं आप जाने सकते हैं, क्या बोले, बोलिए, बताइए, आप आए हाँ जी, मांगे, मैं अपने अधिकार के लिए आया हूँ, किससे मांगे, किससे मांगे, सरकार से मांग रहे हैं, सरकार किसकी है, सरकार जिसकी, हमारी है सरकार, हमारी सरकार है, कौन, फिर आप कहते हैं मोदी जी को बुरा ना कहे, सर ये बताइए, दर्द हो रहा है मोदी जी से, ना मांगो, देखो जो सिस्टम है, हम इनकी बात से 100%
सहमत है। जो सिस्टम है ना, गलती उसकी है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार ने 12,000 करोड़ जो भी दे, यदि गवर्नमेंट ने 300 रुपए दिए और बोलिए इसको बांटो। सुनो, राहुल गांधी गुनहगार है? नहीं, कौन है गुनहगार? कोई गुनहगार नहीं, कोई पार्टी गुनहगार नहीं, हमारे अफसर गुनहगार है। हम बता रहे हैं हमारे अफसर गुनहगार, उन्होंने ही वो आरोपी सेट किया, वो उनको नहीं सेट करनी चाहिए, कैबिनेट को सेट करनी चाहिए हमारे वो आरोपी।